नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज मेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 9 साल पहले देश की राजनीति में हर हर मोदी का नारा गूंजा था, अब ये गूंज वैश्विक हो चुकी है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े देश हो या फिर फिजी, पापुआ न्यू गिनी जैसे छोटे देश, प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा हर ओर छाया हुआ है। कोई उन्हें गुरुजी कहता है तो कोई बॉस। आमतौर पर विदेश दौरों में प्रधानमंत्री का स्वागत प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, लेकिन पहली बार दुनिया देख रही है कि भारत के पीएम के लिए दूसरे देशों की सरकारें कूटनीति की बंदिशें भूल जाती हैं। इसी हफ्ते ऐसा कई बार हुआ। जिस भारत की पहचान कभी सिर्फ बड़ी आबादी के तौर पर होती है, वो कैसे ग्लोबल ऑर्डर का केंद्र बिंदु बनता गया, इसमें पीएम मोदी की भूमिका कितनी बड़ी है, इसी का विश्लेषण है इस हफ्ते का न्यूज मेकर नरेंद्र मोदी। Get the welcome that Prime Minister Modi has got. What a joy it is. 20 मई 2023, हिरोशिमा, जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन हिरोशिमा में G7 देशों के सम्मेलन में विशेष मेहमान के तौर पर पहुंचे थे। मेजबान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अपनी पत्नी युको किशिदा के साथ पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। सामान्य शिष्टाचार वाली मुलाकात थी, लेकिन आत्मीयता से भरी हुई। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी से कुछ कहा और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ देर बाद G7 के नेताओं की औपचारिक मीटिंग शुरू हुई। अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी कुर्सी से उठे और पीएम मोदी के पास आए। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के नेताओं का ये मिलन बेहद खास था। कूटनीति की बोझिल गंभीरता से परे ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश भी था कि अमेरिका अब भारत के साथ रिश्तों को कूटनीतिक और औपचारिकताओं के दायरे से नहीं बांधता। 21 मई 2023, पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी। समय रात 10:10। प्रशांत महासागर में छोटे छोटे टापुओं से बना 90 लाख की आबादी वाला देश पापुआ न्यू गिनी। पीएम मोदी का विशेष विमान जब पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पहुंचा, तब रात हो चुकी थी। इस देश में बड़े बड़े नेता का औपचारिक स्वागत रात में नहीं होता, लेकिन पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे अपने मंत्रियों और सेना के बड़े अधिकारियों के साथ मौजूद थे। पापुआ न्यू गिनी की परंपरा पहले ही टूट चुकी थी। पीएम मोदी नीचे उतरे तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल भी टूट गया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पहले हाथ जोड़े और फिर प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूने के लिए नीचे झुक गए। ये दुर्लभ सम्मान था न सिर्फ मोदी का बल्कि पूरे भारतवर्ष का। पापुआ न्यू गिनी की सरकार के साथ वहां की जनजातियों के प्रतिनिधि भी पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। जिस वक्त आमतौर पर पापुआ न्यू गिनी नींद की आगोश में होता था, उस वक्त वहां की राजधानी में पीएम मोदी के आने का उत्सव मनाया जा रहा था। गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा था और ये दौर पीएम मोदी की मौजूदगी तक जारी रहा। पीएम मोदी फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे थे, जिसकी बुनियाद पीएम मोदी की पहल पर नवंबर 2014 में रखी गई थी। प्रशांत महासागर क्षेत्र के 14 छोटे देशों के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाने वाले पीएम मोदी के लिए फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेकर पापुआ न्यू गिनी आए थे, तो पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब दादे ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी पीएम मोदी को समर्पित कर दिया। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पापुआ न्यू गिनी का यह पहला दौरा था। 22 मई को पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी से रवाना हुए, लेकिन वैश्विक मंच पर उनके अभिनंदन का अभूतपूर्व अंदाज अभी बाकी था। 23 मई 2023, कुडोस बैंक एरिना।
सिडनी ऑस्ट्रेलिया, समय शाम 6 बजे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच पीएम मोदी का कार्यक्रम पहले से तय था, जहां कूटनीति और राजनीति के बजाय भारतीय संस्कृति के रंगों के बीच उन्हें भारत की बात करनी थी। लेकिन सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। नेवी ब्लू कलर के सूट पर नारंगी रंग की टाई पहने हुए, ये रंग ही ये बताने के लिए काफी था कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी की अहमियत क्या है। जो कसर बची थी वो प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज ने मंच पर पूरी कर दी। I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत के प्रधानमंत्री को बॉस बता रहे थे, ठीक उसी दौरान नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी भी पीएम मोदी के एक नए रूप की व्याख्या कर रहे थे। 23 मई 2023 नई दिल्ली। I think it was one of the leaders said, you know, all this talk about 5G, 6G, 7G, here in India we have something more powerful than all of those, Guruji. But पीएम मोदी की ये तारीफ असाधारण है। तारीफ करने वाले ये वो लोग हैं जिनके पास पीएम मोदी की 9 साल की उपलब्धियों का अपना इनपुट है। सच्चाई ये है कि अमेरिका के राजदूत या ऑस्ट्रेलिया के पीएम अगर मोदी की लीडरशिप के सामने नतमस्तक हैं, तो उन्हें बीते 9 साल में भारत में कुछ तो बदलाव दिखा होगा। ये बदलाव क्या है ये समझने के लिए आपको एक बार फिर सिडनी ले चलते हैं, जहां पीएम मोदी ने खुद नए भारत की झांकी दिखाई और वहां मौजूद हजारों की भीड़ ने उस पर हामी भी भरी। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है पीएम मोदी ने सिडनी में भारत की उपलब्धियां गिना। उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय खुद नहीं लिया, फिर पूरी दुनिया में भारत की उपलब्धियों का श्रेय पीएम मोदी को क्यों दिया जा रहा है, इसे पीएम मोदी की जुबानी और आंकड़ों की कहानी के जरिए समझिए। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है वो देश है। पीएम मोदी के इस दावे की सच्चाई भारत के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों में दर्ज है। 2014 में भारत की जीडीपी 2,39,39,000,000,000 थी, जो 2023 में 3,737,000,000,000 हो चुकी है। 2014 में भारत में दूध का उत्पादन 146.31 मिलियन टन था। 2022-23 में 221.06 मिलियन टन हो गया। 2014 में भारत में डिजिटल पेमेंट 1,20,000 करोड़ रुपए का हुआ था, जबकि 2022 में 12,98,000 करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट हुआ। 2012-13 में एमएसएमई सेक्टर में 4,67,56,000 इकाइयां थी, जिनकी मार्केट वैल्यू 12.69 लाख करोड़ रुपए थी। 2022-23 में एमएसएमई सेक्टर 6.34 करोड़ यूनिट्स काम कर रही हैं, जिनमें 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2014 में देश में किसान परिवार की औसत आमदनी 6,426 रुपए प्रति माह थी, जबकि 2022 में एक किसान परिवार की औसत आमदनी 10,218 रुपए प्रति माह हो गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद सबसे ज्यादा जोर डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर दिया। डिजिटल इंडिया के लिए जरूरी था स्मार्टफोन के मामले में आत्मनिर्भर भारत। नतीजा क्या निकला? साल 2014-15 में भारत में 5,80,00,000 मोबाइल फोन बने थे, जबकि 2022-23 में भारत में 31 करोड़ स्मार्टफोन्स का उत्पादन हुआ। 2014 में 90% भारतीय इंपोर्टेड मोबाइल फोन के सहारे थे, जबकि 2022 में 97% लोगों के पास जो मोबाइल फोन थे वो भारत में ही बने थे। साल 2014 में भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी, लेकिन इस वक्त भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 से अधिक कंपनियां चालू हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो है युवा भारत के टैलेंट को ग्लोबल पहचान देने के लिए पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया नाम से मिशन की शुरुआत की थी। उसकी कामयाबी की झांकी वो अब किस आधार पर दुनिया को दिखा रहे हैं, एक नजर इस पर भी। 2014 में स्टार्टअप्स की संख्या 400 से कम थी, जबकि 2022 में भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पर युवा उद्यमियों की टीम काम कर रही थी। पीएम मोदी पर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस का आरोप है कि वो यूपीए सरकार की योजनाओं का क्रेडिट लेते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है ये भी जान लीजिए। 15 अगस्त 2012 लाल किला दिल्ली। सिर्फ 10 साल पहले तक हमारे गांव में 10 में से सिर्फ 3 घर बैंकिंग सेवाओं से जुड़े थे। आज आधे से भी ज्यादा ग्रामीण घरों में बैंक खाते खोले जा चुके। हमारी कोशिश होगी कि अगले 2 सालों में सभी घरों को बैंक खातों का लाभ मिल पाए। यूपीए 2 के दौर में पीएम मनमोहन ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम का सपना देखा था। 2009 से ही आधार कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया। दावा किया गया कि गांव के लोगों के बैंक खाते भी तेजी से खोले जाएंगे। 31 दिसंबर 2012 नई दिल्ली। In these 7 schemes, in the districts in which they apply, among the 20 districts, the money will be transferred through the DBT system using the UIDAI technology platform. Direct benefit transfer का ऐलान भी UPA सरकार ने कर दिया, लेकिन आधार से बैंक खातों को जोड़ने और लोगों के बैंक खाते खोलने की कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हुई। ये योजना चीटी की चाल से चलती रही और हताश लोगों ने 2014 में यूपीए सरकार को ही चलता कर दिया, जबकि उसी योजना को पीएम मोदी ने भारत के लिए गेम चेंजर साबित कर दिया। उन्होंने शहर, कस्बों और गांवों में विशेष अभियान चलाकर बैंक जीरो बैलेंस वाले खाते खोले और उन बैंक खातों को मोबाइल फोन से जोड़कर जो नेटवर्क तैयार किया उसे आज पूरी दुनिया भारत की जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति के नाम से जानती है। हमने जनधन, बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT संभव हुआ। पीएम मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो पेचीदा काम भी शानदार प्लानिंग के साथ करते हैं। वो सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाते बल्कि योजनाओं की कामयाबी को भी पूरा करना जानते हैं और लोगों को अपनी बात समझाने में भी उनका कोई मुकाबला नहीं। यकीन न हो तो उनसे पूछिए जो पीएम मोदी से पहली बार मिले और कायल हो गए। The Prime Minister is such an incredible man. I feel very lucky to have met him, and I can see that he really cares about the country and the vision. जिंदगी आके तम एक नई जंग है, जीते जा रहेंगे हम do again. He was incredibly generous with his time. He was very engaging and he respects the relationship. भारत में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बेशक पीएम मोदी के तौर तरीके समझ में न आते हों,
उनको पीएम मोदी के नए भारत पर भरोसा ना हो, लेकिन पश्चिमी देशों के ताकतवर नेताओं ने तो प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की पहली झलक मिलते ही मान लिया था कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। 14 नवंबर 2015 वेम्बली स्टेडियम लंदन। नमस्ते वेम्बली। कम ऑन टीम इंडिया, Prime Minister Modi, a huge welcome from Team UK. I know one thing, we are all winners today. He rightly said, Ache Din Anawali Hey. But with his energy, with his vision, with his ambition, I would go one further and say this: Ache Din Zaror Ayega.